भारत के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा का 9 अक्टूबर की शाम निधन हो गया। उनके निधन के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। 10 अक्टूबर को उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में सबसे आगे आगे चल रहे थे उनके अंतिम दिनों में उनके साथ रहे और उनके सबसे अच्छे दोस्त शांतनु नायडू, और उनके पीछे रतन टाटा की एम्बुलेंस थी। लेकिन इस बीच पुलिस ने शांतनु की बाइक को रोक दिया। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि उनके आगे चलने से पुलिस को आपत्ति थी, लेकिन बातचीत के बाद फिर पुलिस उन्हें जाने देती है। ये वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह के चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इस वीडियो में पुलिस से शांतनु की बातचीत मराठी में है, जिसमें पुलिस वाले कह रहे हैं कि ये गाड़ी आगे नहीं निकल सकती। इस पर शांतनु कहते हैं कि ये अंतिम यात्रा की पायलट गाड़ी है, जिसके निकलने के बिना ये यात्रा नहीं निकल सकती। असल में पायलट गाड़ी का मतलब होता है कि काफिले की सभी गाड़ियां उसके पीछे चलेंगी, जिसके बाद पुलिस वाले उन्हें जाने देते हैं। बता दें कि शांतनु नायडू सबसे कम उम्र में टाटा के डिप्टी मैनेजर हैं। रतन टाटा और शांतनु के बीच अच्छी दोस्ती थी। रतन टाटा और शांतनु के बीच करीब 5 दशकों का अंतर था, लेकिन उनकी दोस्ती मजबूत थी। उन दोनों में दोस्ती कुत्तों के प्रति प्रेम की वजह से हुई। रतन टाटा अक्सर अपने इंस्टाग्राम पर शांतनु के साथ अपनी तस्वीरें डालते थे। ऐसे में बताया जाता है कि इन दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी। तो ये थी रतन टाटा की अंतिम यात्रा से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।